नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत बड़ी खबर, अहम खबर से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से पीसीसी चीफ कमलनाथ से कई सवाल किए हैं। सीएम शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस और कमलनाथ ने साल 2018 में सिर्फ जनता से झूठे वादे किए थे। सीएम शिवराज ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जितने समझ में आए सब वचन पत्र में लिख दिए गए, और जिन वादों को पूरा करने का वचन दे के सत्ता में आए उनमें से कोई पूरा नहीं किया। और यही सच मैं जनता के सामने उजागर करना चाहता हूं कि कांग्रेस झूठ बोलती है, कमलनाथ झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, और इसलिए एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर की बातें करके सवालों से बचते हैं, लेकिन जनता के बीच में सच उजागर करना हमारी ड्यूटी है। और इसलिए 2018 के वचन पत्र में कमलनाथ जी आपने लिखवाया था आधुनिक कृषि यंत्र जिनकी लागत 2 लाख रुपए तक है उस पर 50% अनुदान दिया जाएगा। 1.5 साल में कितना अनुदान दिया ये तो बता दो कमलनाथ जी, एक ढेला नहीं दिया। अनुदान देना तो दूर की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद कर दिए,